इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां जोशीमठ की हालातों पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। जोशीमठ को लेकर भ्रमित प्रचार कर रहे हैं कुछ तत्व, विपक्षी लोगों को नहीं करना चाहिए भ्रमित प्रचार। तो सीएम धामी का कहना है कि कुछ लोग जोशीमठ को लेकर भ्रमित प्रचार कर रहे हैं, साथ ही विपक्षी लोगों को भी भ्रमित प्रचार नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जोशीमठ का 30% से कम हिस्सा ही प्रभावित है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग जोशीमठ के बहाने उत्तराखंड की तस्वीर को भयानक और बताना गलत है, ऐसा कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के सामने सही स्थिति रखी जानी चाहिए, जनता को डराना और दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आइए आपको सुनाते हैं। पूरे देश भर से कुछ लोग ट्वीट के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, अनेकों माध्यमों से उत्तराखंड की स्थिति को बहुत भयावह दर्शा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की, जोशीमठ के समेत पूरे उत्तराखंड को कह रहे हैं कि उत्तराखंड खतरे में है, उत्तराखंड डूब रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं है, और जोशीमठ में भी 70% लोग अभी आज ऐसे सामान्य जीवन जी रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बनाने से जहां उत्तराखंड के अंदर भी एक नकारात्मक संदेश जा रहा है, और वह पूरे देश के अंदर भी जा रहा है, क्योंकि पूरे देश की आस्था श्रद्धा का केंद्र बिंदु उत्तराखंड है। यहां प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, तो उनके अंदर भी कहीं गलत संदेश न जाए, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ, देश के विभिन्न स्थानों पर बैठकर जो इस प्रकार के संदेश दे रहे हैं, कृपया करके इस प्रकार के संदेशों को न प्रसारित करें पूरे। तो आपको बता दें कि जोशीमठ के हालातों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है।